25/7/21 को की तारीख मुकर्रर थी। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे जारी रही। इंतखाबात में लोगों ने जोश और खरोश से हिस्सा लिया। सब ने देखा, इससे चुनावी बेदारी का सबूत मिलता है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मजबूत तौर पर पोलिंग पुरअमन रही। 6,000 पोलिंग स्टेशन में से चंद पोलिंग स्टेशन पर कुछ वाकयात हुए जो नहीं होने चाहिए थे। इसमें एक हल्का क्वालिटी के पड़ोस में वाकई रुमा हुआ जिससे जानी ज़िया भी हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन के पूरा अदारा उस खानदानों से ताजी गुजार भी करता है और हम सब वक्त पे गए कोटली इंतजामी को हिदायत की है कि इस जो भी इसमें मुलवस है उन पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा 2 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे बैट्स पर उठाए गए हैं, तो वहाँ भी मामला हुआ हो रहा है। एक और बाग में है, इसे चंद वाक़ात हुए जख्मी में। पाकिस्तान में 2 जगह झगड़े वगैरह हुए लेकिन गुजरात में सुन हुआ। हालिया इंतखाबात के दौरान चंद तारीख शिकायत मसूल हुई हैं जिन पर कानून मुताबिक तहकीक़ात और वाकती रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी हो चुकी हैं। खिलाफवर्जियों के सिलसिले में कानून अपनी हरकत में है। जहाँ जहाँ खिलाफवर्जी की हुई है हमने मुतलका अदारों को हदायत जारी की है, उन पर कार्रवाई भी हुई है। बाद जगह FIR भी दर्ज कराई गई हैं और बाद जगह मुलाजिम मतलब भी किए गए हैं। ये रिकॉर्ड पर आजाद शिविर के हालिया इंतखाबात के दौरान इंजाम पुलिस बनाने के लिए बिलखसूस लेख कमीशन पाकिस्तान की रहनमाई में हासिल रही है। पाकिस्तान के 12 हल्कों में लेख कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ही ऑफिसर काम करते हैं, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की है। तो इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान से हमने रिक्वेस्ट की थी, वो कमीशन ने जिस पर पाकिस्तान फौज के दस्ते भी तैनात किए गए। सिविल आर्म फोर्सेज में FC, पंजाब कॉन्स्टेबलरी, पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध रेंजर्स ये तैनात किए गए थे। तो इलेक्शन कमीशन इन तमाम अदारों का शुक्रगुजार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान की मुसल्ला फौज, सिविल आर्म फोर्सेज का, जिन्होंने ईद के मौका पर अपनी ईद की खुशियों को दोबारा तर्क करते हुए इसको भी फ्रीज में अपना असर डाला। इस दौरान आज़ाद कश्मीर में भी हमारी जो सूबाई इंतजामिया अपना आज़ाद कश्मीर इंतजामिया है उसका भी मित्र दिल से शुक्र अदा करता हूँ। मैं और मेरे रफ़ाक़ा अदा करते हैं कि उन्होंने भी दिन रात मेहनत की है। हमारी जो पुलिस है, हमारे जो अदलिया है, तमाम अदलिया आज़ाद कश्मीर की इसी काम पर लगी रही है, तो उनका भी शुक्र अदा करता हूँ। मैं बैसी चीफ कमिश्नर मेरे फाजल मेमरान कमीशन मामा अमला इस तमाम मामलों के दौरान जिन अदारों ने हमारे साथ काम किया है उनकी खिदमात को कदर की निकास देखते हैं, बहुत खास शुक्रिया अदा करते हैं। इंतखाबी अमल के जुमला मराहल के दौरान आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान भर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तजिया नगारों, साफी ज़रात सब की जान जो जो खिदमात अंजाम दी गई हैं सबका शुक्र सबके शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस कौमी फ्रीजे में अपना हिस्सा डाला है। और लोगों को मैंने ये उजागर किया है कि वो पोलिंग में हिस्सा लें और अपने राय का इजहार करें। अभी थोड़ी देर पहले हमें इतला मिली कि पाकिस्तान फौज के 4 जवान लेसवा के मकाम पर, जो हमारी क्विक रिस्पॉन्स फोर्स थी, गाड़ी जाते हुए गाड़ी खाई में गिर गई है, वो शहीद हो गए, जिसका कमीशन को इंतहाई दुख है। अलग कमीशन इसको भी नुकसान पर पाकिस्तान फौज के सरबरा और शहदा के इलाके से ताजीद का इजहार करता है और शहदा के तजारत की बुलंदी और मफल की दुआ करता है। अब जो रिजल्ट आ चुके हैं उनमें से रिजल्ट एक ऐलान करता हूँ। ये जनाब एक हल्के रिजल्ट आया है, ये गैर मद्दी बहस का एक रिजल्ट है, ये गैर चाहे जिसके ये हल्का LA 43 कश्मीर वैली 4, इसकी पोलिंग स्टेशन की तादाद सिर्फ 8, वोटर की तादाद थी 2,457, कुल दुरुस्त वोट जो पहुँच होते हैं वो 1,791, तादाद मुस्तद किए गए हैं वो हैं 28 और डाले गए वोटों की तादाद है 1,819। डाले गए वोटों की शरह जो है 74% या वोट कास्ट हुए हैं। तो यहाँ जो उम्मीदवार जीते हैं, जावेद भट्ट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनने 782 वोट लिए हैं। उनके दूसरे नंबर पर आने वाली नसीमा खातून पासा मुस्लिम नून, जिनके 720 वोट हैं।
एक और रिजल्ट है, ये एलए 40 कश्मीर वैली 1, इसमें वोटरों की तादाद है 5327, कुल तादाद पुरशुदा वोट्स हैं वो है 3507, मुखसद शुदा वोट है 41, डाले गए 3548 और शरह यहाँ बनती है वोट्स वोट की वो 66.60। इसमें जो जीते हैं वह हैं आमिर अब्दुल खाल लोन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एच ए के, 2165 वोट हासिल किए हैं, और दूसरे पर आए हैं इनके मोहम्मद सलीम भट्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने 875 वोट हासिल किए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी चीफ इलेक्शन कमीशन को सर टर्नआउट के हवाले से बताइएगा, इस हद तक आपका जो भी आपके पास इरादा शुमार है, टर्नआउट कैसा रहा कोविड की वजह से? अभी अभी अभी, अभी बताया ना, एक हल्के में रहा है 66%, 66 एक हल्के में, और एक में रहा है 74%। अभी तो रिजल्ट आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 50+ होगा मुझे।